हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजू चौधरी और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ढेर सारे प्रोडक्ट। उससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियो देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ टाइम पहले नायका पर सेल चल रही थी, नायका समर सुपर सेवर डे सेल, कुछ इसी तरीके का नाम था। आई होप मैं सही हूँ। तो कुछ इसी तरीके का नाम था और उसमें बहुत अच्छी सेल चल रही थी। के ब्यूटी, मेबलिन, लैक्मी, बहुत सारे ब्रांड्स पे जो है अच्छे खासे डिस्काउंट थे। 40 to 50% आई थिंक डिस्काउंट थे। तो इन सब चीज़ों के अलावा लग्जरी ब्रांड पे भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, बिकॉज मुझे एक लग्जरी किट रेडी करनी थी। तो मैंने एक लग्जरी किट रेडी करी है और मैंने मैक के प्रोडक्ट जो है सारे के सारे परचेज़ किए हैं, क्योंकि मुझे मैक के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास 3-4 ऑलरेडी थे, बट उसके अलावा मेरे पास प्रोडक्ट नहीं थे, पर वो 3-4 में मैं इतनी खुश थी ना। मैंने एक दिन सोचा था कि मैक की जो है मैं पूरी की पूरी किट जो है अपने पास रखूँगी, एंड फाइनली वो आज दिन आ गया है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने के लिए, क्योंकि नायका पे ऑलमोस्ट सेल चलती रहती है किसी ना किसी चीज़ पर ये जो लग्जरी ब्रांड होती है इनमें बहुत कम सेल होती है गाइज, बहुत ज़्यादा कम। मैंने तो भाई इस सेल का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाया है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट आज नहीं तो कल लेने ही होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वाली सेल पर लिए जाएँ और पैसे खर्च किए जाएँ। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, एंड इतनी सारी शॉपिंग करी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये है जो मैंने शॉपिंग करी है, एंड ये बहुत ही कम बॉक्स है। एक्चुअली मैंने क्या किया है, ये बहुत सारे बॉक्सेस थे, तो मैंने क्या किया है इन 3 बॉक्सेस में जो है सारा का सारा सामान जो है शिफ्ट कर दिया। जो भी प्रोडक्ट मैंने लिए थे इसमें शिफ्ट कर दिया, ताकि मुझे बहुत सारे डब्बे आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे मतलब इन बॉक्सेस से नहीं है, इनके अंदर जो प्रोडक्ट है उनसे है। और मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी गाइस कि मैंने मैक की जो है पूरी किट रेडी कर ली है। एंड मैं चाहती थी, काफ़ी टाइम से मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छी खासी लग्जरी जो है ब्रांड की शॉपिंग करूँ। मेरे पास कोई भी लग्जरी ब्रांड नहीं है, कुछ थे मैक के प्रोडक्ट थे, तो मुझे मैक के वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कुछ मेरे पास हैं, कुछ थोड़े बहुत और लेके मैं मैक की पूरी किट ही रेडी कर लेती हूँ। एंड फाइनली वो दिन आ गया गाइस, और मैंने जो है मैक की एक पूरी किट बनाई है और भी काफ़ी सारी शॉपिंग करी है। मैं आप लोगों के साथ में एक एक करके शेयर करूँगी, बट उससे पहले मैं सारे के सारे मैक के प्रोडक्ट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किए हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं और मैंने अपने कितने पैसे डुबोए हैं, डुबोए नहीं बोल सकते, जो लोग मेकअप नहीं करते हैं उन्हें तो ऐसा ही लगेगा गाइस कि मैंने पैसे डुबो दिए हैं, बट जो लोग मेकअप लवर है ना उनको ऐसा लगेगा कि वाओ आपने इतनी अच्छी शॉपिंग करी है। मेरे साथ अक्सर यही होता है, मैं जब भी खाली टाइम पे फ्री होती हूँ ना, मैं नायका का जो है ऐप खोलती हूँ और उसमें देखती रहती हूँ, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास नहीं है, बट यार ख़त्म ही नहीं होती है चीज़ें। अब मैं सोचती हूँ फाइनली अब मैं नहीं मंगाऊंगी, अंजू बस कर जा, अब मत मंगवाना। बट किसी ना किसी तरह यार वो विश लिस्ट में चले जाते हैं, और जब विश लिस्ट में कोई प्रोडक्ट चले गए ना भैया, तो मजाल है उसकी जो कोई ख़रीद ना पाए उसको। मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मेरी विश लिस्ट में मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड कर लिए, ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने वो प्रोडक्ट ना लिए होते हैं। मुझे शौक़ है गाइस, एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करने का बड़ा मन करता है सारे प्रोडक्ट। आज से पहले भी मैंने खूब सारी शॉपिंग करी है, बट कभी भी इस तरीके से कोई भी हॉल शेयर नहीं किया है नायका का। बट इस बार जो ये सुपर समर सेल थी ना, इतने अच्छे डिस्काउंट के साथ यार, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँ वीडियो यार। और अब मैं इतनी चपड़ क्यों कर रही हूँ, जब मुझे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना है, ये प्रोडक्ट आप लोगों के साथ में शेयर करना है, आप लोगों को बताना है कि मैंने क्या परचेज़ किया है, तो मैं इतनी चपड़ क्यों कर रही हूँ यार। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मैक की जो किट मैंने रेडी करी है पूरी की पूरी, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एंड अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ तो और भी मैं प्रोडक्ट दिखाऊँगी आपको जो मैंने परचेज़ किए हैं, वरना वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। आज फ़िलहाल मैं पूरी की पूरी मेकअप किट जो है इसकी दिखा देती हूँ मैक की, कि मैंने क्या क्या परचेज़ की है। एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर मैक का ये मेकअप फिक्सर, दिस इज़ मैक प्रेप प्लस प्राइम, एंड ये बहुत ही अच्छा जो है प्राइमर एंड मेकअप फिक्सर है गाइस। एंड इसकी पैकेजिंग गाइस बहुत ही प्रिटी है, एंड आप देख सकते हो कि पूरी फाइबर पैकेजिंग में आता है ये, कोई भी ग्लास नहीं है, ट्रैवल फ्रेंडली है, एंड टूटेगा नहीं। एंड इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे गोल्ड लाइट, पिंक लाइट, कोकोनट, लेवेंडर, काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें। तो मेरे पास ये ऑलरेडी था ये वाला मेकअप फिक्सर, जो कि अब एम्प्टी होने ही वाला है, थोड़ा सा बचा है। तो मेरे पास ये ओरिजिनल था, तो मैंने नेक्स्ट भी रीपरचेज़ ये ओरिजिनली किया है, बिकॉज मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला है, क्योंकि इसे आप डे टाइम पे, नाइट टाइम पे कभी भी यूज़ करो, आप आपको जो है इसको लगाने के बाद ना आपका फेस बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट लगता है एंड फेस पे जितना भी पाउडरीनेस होता है ना जब आप मेकअप करते हो तो वो सब चीज़ों को क्लियर करता है ये मेकअप फिक्सर, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है गाइस। इसकी जो कॉस्ट है वो 1900 के करीबन है एंड 1950 है आई थिंक। एंड इसकी खुशबू गाइस, ओ माई गॉड, मतलब इतनी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है कि आप जब इसको अपने फेस पे लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ्रेश फील होगा एंड दिस इज़ वेरी वेरी मस्ट हैव प्रोडक्ट गाइस एंड आप उसको ज़रूर परचेज़ करना, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड अब सेकंड प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ गाइस, ये मैक की मिनी स्ट्रोब क्रीम, दिस इज़ मिनी मैक स्ट्रोब क्रीम इन द शेड पिंक। मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसको लगाने के बाद काफ़ी अच्छी शाइन आती है आपके फेस पे, हाइड्रेट लगता है आपका फेस, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। मैंने इसकी बड़ी वाली जो है ट्यूब नहीं मंगवाई है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली था, क्योंकि इसका प्राइस भी 1100 है, जो इसकी बड़ी वाली पैकेजिंग आती है उसका प्राइस है 3400 गाइस, और वो मेरे लिए अभी इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुझे मैक की जो है पूरी किट रेडी करनी थी, तो मैंने ये छोटू वाला परचेज़ किया है। पर 1100 में भी मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है गाइस, मतलब 1100 यार बहुत ज़्यादा होता है 1100 है ना, उसमें बहुत कम क्वांटिटी में ये है। आई थिंक इसकी क्वांटिटी है 15 ml जो है इसकी क्वांटिटी है। खैर देखते हैं कब तक चलेगा, मैं इसको अभी निकाल के आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत छोटू सा है एंड अगर मैं आपको एक बार निकाल के दिखाऊंगी उसमें एक बार ही मेरा मेकअप भी हो सकता है, इसलिए आपको निकालूंगी नहीं। इसका एक्सपीरियंस तभी शेयर करूँगी, रिव्यू तभी शेयर करूँगी जब मैं इसको यूज़ कर लूँगी, तो देखते हैं कैसा है ये प्रोडक्ट। और गाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है मैक का ये फाउंडेशन एंड मेरा शेड है गाइज इसमें NC20। काफ़ी सोच विचारों के साथ जो है मैंने इस शेड को परचेज़ किया है एंड काफ़ी सुना है इसके बारे में कि काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है, इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया। जो इसका प्राइस है वो है 2950 आई थिंक, 2950 इसका प्राइस है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है एंड इससे मैं डिसअपॉइंट इसलिए हूँ क्योंकि मैक वालों ने कोई भी मुझे एप्लीकेटर या फिर पम्प या फिर कुछ भी नहीं, इसको सिर्फ इस तरीके से निकालना पड़ेगा मुझे हाथ पे इस तरीके से, एंड इसके साथ कोई भी एप्लीकेटर नहीं है, कोई भी पम्प नहीं है, तो विच इज़ नॉट गुड, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। बट इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है एंड इसको लगाने के बाद फेस बहुत ही अच्छा स्मूथ लगता है, मैंने ऐसा सुना है। देखो यूज़ तो नहीं किया है, तभी बता पाऊँगी आपको, एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में तभी शेयर कर पाऊँगी जब मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल इसको यूज़ नहीं किया है और हाथ पे निकाल के तो मैं इसको डेफिनेटली यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि यार ये इतना सा है और 2950 का है, तो है ना आप समझ सकते हो कि मैं इसको अपने फेस पर ही आपको लगा के दिखाऊँगी कि ये फेस पर कैसा लगता है। और इसकी बोतल जो है कांच की है गाइस, और इसका ये जो ऊपर का कैप है बहुत ही सुंदर सा है, काफ़ी स्मूथ भी है, आई थिंक फाइबर है, पता नहीं क्या है, बट बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है एंड ये है SPF 15 के साथ। मेरा शेड है इसमें NC20, बहुत सारे शेड है इसमें, आई थिंक 39 या फिर 40 के करीबन इसमें शेड हैं, तो कंफ्यूज मत होना, किसी भी मैक के स्टोर में जाना, ऑनलाइन परचेज़ मत करना फर्स्ट टाइम पे। अगर आपको अपना कोई शेड चाहिए इसको जो है आप ऑफलाइन ही परचेज़ करना क्योंकि इतना महंगा है यार प्रोडक्ट, अगर मैक वालों ने सोचो वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया तो आपका तो वेस्ट हो जाएगा ना। बट पता नहीं कैसे तुक्के से ये जो है मेरे फेस को एकदम मैच करता है, मेरी स्किन टोन से जो है मैच करता है, तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ देखो इसे लेके। अब पता चलेगा लगाने के बाद ही कि कैसा है ये। एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज़ मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन। मेरे पास ये पहले भी था, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है मैंने इसको, क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ना कॉम्पैक्ट, ये आपका फाउंडेशन का भी काम करता है एंड आपका कॉम्पैक्ट का भी काम करता है। अगर आपने कोई भी CC क्रीम BB क्रीम लगाई है तो आप इजीली जो है इसको ऊपर से लगा लो तो काफ़ी अच्छी कवरेज भी आपको मिल जाएगी, फाउंडेशन की तरह भी वर्क करता है। एंड इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है गाइस, एंड आप इसको यहाँ प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाता है ये। एंड मैंने इसमें शेड जो मंगाया है वो है NC25, वो भी काफ़ी सोच विचारों के साथ। पहले वाला शेड मुझे आई थिंक याद नहीं है, मैंने देखा भी नहीं कि क्या शेड था मेरे पास, बट जो मैंने इस बार शेड मंगाया है वो है NC25 एंड ये भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लाइट है, बट कॉम्पैक्ट का शेड थोड़ा सा लाइट ही होना चाहिए। जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर फाउंडेशन थोड़ा बहुत फेस से मिलता है तो हल्का सा जो है कॉम्पैक्ट लाइट होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छी है पैकेजिंग आप देख सकते हो। और इसके साथ ना आपको एक जो है बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है जो कि स्पॉन्ज मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको इसके साथ, स्पॉन्ज मिलेगा। एंड आप देख रहे हो इसमें छोटे छोटे से ये होल हैं, ये इसलिए कि अगर आपके स्पॉन्ज वेट रह जाता है तो उसको जो है ये ड्राई कर देता है, हवा ईजिली पास होती रहती है यहाँ से, तो गीला नहीं रखता ये आपको, आपके जो है स्पॉन्ज को। तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसको आप BB CC क्रीम के ऊपर भी लगा लो तो काफ़ी अच्छी कवरेज भी आपको देगा। तो यूज़ मैंने इसको पहले भी किया है एंड मुझे डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगता है प्रोडक्ट, इसलिए मैंने इसको रीपरचेज़ किया। तो जब मैं मेकअप आप लोगों के सामने क्रिएट करूँगी तब भी पता चलेगा कि इसके शेड कैसे आए हैं, और अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया है तो बता नहीं सकती हूँ। देखते हैं कि कैसा लगता है इसको यूज़ करने के बाद। और अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस मेरे पास। हाँ, इसका प्राइस तो मैंने आपको बताया नहीं गाइस, इसका प्राइस है आई थिंक 29.50 एग्जैक्टली। फाउंडेशन का जो है प्राइस भी 29.50 एंड कॉम्पैक्ट का प्राइस भी 29.50। देख रहे हो आप, बहुत कॉस्टली है भाई। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है ब्रॉन्जिंग पाउडर। मैक का जो ब्रॉन्ज़र है, मैंने मैट ब्रॉन्ज़र लिया है। इसको भी इस तरीके से आप ओपन करोगे, ये तो आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क है, बट मुझे कॉन्टोरिंग के लिए चाहिए था ये ब्रॉन्ज़र। तो कॉन्टोरिंग के लिए डेफिनेटली ये ठीक है, थोड़ा सा डार्क ही अच्छा लगता है कॉन्टोरिंग। एंड इसमें छोटू सा मिरर भी है जो कि काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा है। इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी और मैं इसे कॉन्टोरिंग की तरह भी यूज़ करूँगी और एक ब्रॉन्ज़र की तरह भी, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको। एंड अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरे पास वो है एक मस्कारा। दिस इज़ इन एक्सट्रीम डायमेंशन मस्कारा 3D ब्लैक, एंड ये मिनी मस्कारा है। इसका प्राइस भी गाइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इतना छोटू सा है ये, और इसका प्राइस जो है 1100 है। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी छोटू सा है। एंड जब आप इसको ओपन करोगे ना तो आप देखोगे कि इसके ब्रिसल्स जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है मस्कारा आ जाता है। इसके रिव्यू जब मैंने देखे तो इसमें रिव्यू में थे कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है एंड इंस्टेंट जो है फ़र्क दिखेगा आपको इसको लगाने के बाद। अभी तो मैंने लगाया हुआ है मस्कारा, बट जब मैं अपना वीडियो को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ तो उसमें डेफिनेटली इस मस्कारे को यूज़ करूँगी एंड तभी मैं बता पाऊँगी कि कैसा है ये मस्कारा। तो ये था, बहुत ही छोटू सा है। एंड 1100 का यार, मतलब 800-900 में आपको काफ़ी और अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं मस्कारे के, जैसे के ब्यूटी का बहुत अच्छा है मस्कारा, एल्फ के, मतलब इतने अच्छे अच्छे मस्कारे हैं थोड़े बहुत अच्छी रेंज में। यार 1100 का बहुत छोटू सा नहीं है, बट वही मैक की जब किट रेडी करनी थी तो प्रोडक्ट तो चाहिए थे मुझे जो मैं यूज़ करूं, मतलब अपने एक मेकअप को क्रिएट करने के लिए, तो मस्कारा भी इम्पॉर्टेंट था ही गाइस। एंड अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी वो है एक लिपस्टिक। जी हाँ, इतना सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे लिपस्टिक की क्या ज़रूरत है, बिकॉज़ मेरे पास ना ऑलमोस्ट बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कोई भी लिपस्टिक जो है परचेज़ करूं, बट मुझे एक वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो बिना लिपस्टिक के वो तो होने से रहा था, इसलिए मैंने एक बहुत ही छोटू सी लिपस्टिक मंगाई है। ये भी बहुत छोटू सी है यार, और इसका प्राइस भी अगेन 1100 ही है। एंड काफ़ी, आपको नहीं लगता ऐसा कि बहुत ज़्यादा प्राइस है इसका भी, मतलब 1100 यार, 1100 में आपके पास बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स आ जाएंगी। ये 1100 की मैक की इतू सी लिपस्टिक है, देख रहे हो आप, इतनी छोटी सी। एंड इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इसका शेड है इस तरीके का, बहुत ही काफ़ी न्यूड शेड है, आपको मैं हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ इसका शेड। ये कुछ इस तरीके का शेड है गाइस, इसका पिंक शेड है। एंड इसका जो एक्चुअल शेड है वो है मेहर मैट लिपस्टिक, इसका शेड है मेहर मैट लिपस्टिक। इसका एक बड़ा साइज़ भी आता है जो है आई थिंक 1950 या फिर 1800, मैं श्योर नहीं हूँ, बट यही है आसपास, मतलब 1800-1900 का है। एंड छोटी जो लिपस्टिक है इसकी वाली वो 1100 की है, और इसमें भी काफ़ी सारे शेड आपको मिल जाते हैं। मैंने इसका डार्क शेड इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि डार्क शेड की ऑलमोस्ट मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक पड़ी हुई है, तो लाइट शेड अच्छा रहता है। इवन न्यूड शेड मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए न्यूड शेड की मैंने ये लिपस्टिक मंगाई है। एंड अगर मुझे ये अच्छी लगी तो मैं बड़ी लिपस्टिक भी इसकी मंगवाऊँगी, बट तब जब मेरे पास पैसे होंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है एंड कॉस्टली भी उतना ही है। जी हाँ, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मैक आर्ट लाइब्रेरी आई शेडो पैलेट फ्लेम बॉइन। ये आई शेडो पैलेट जो है आप देख सकते हो कि इसका मतलब मैक वालों ने इसकी जो पैकेजिंग दी है वो कितनी प्यारी है। काफ़ी मैट फिनिश के साथ जो है इसका पैकेजिंग आता है और आप देख सकते हो गाइस कि इसमें कितने सारे शेड हैं। आपको काफ़ी सारे शेड इसमें मिल जाएंगे। इसमें जो है इसके शेड के सारे नाम लिखे हुए हैं। आप इसमें देख सकते हो कि कितने सारे शेड हैं। काफ़ी जो है ट्रांजेक्शन शेड है, आपको मिल जाएंगे। डार्क शेड मिल जाएंगे एंड काफ़ी जो है ग्लिटरी शेड भी मिल जाएंगे। जो शिमरी हैं वो है 1 2 3 4 5 आपको शिमरी शेड मिल जाएंगे। बाकी आपको मैट शेड मिलेंगे जिसमें से कुछ शेड जो हैं डार्क भी हैं एंड कुछ शेड आपके बिल्कुल न्यूड भी है। एंड काफ़ी अच्छा पैलेट है गाइस एंड पिगमेंट भी बहुत अच्छी है इसकी। मैंने ट्राई करा, इसका पिगमेंट जो है काफ़ी अच्छी है, हाथ पे लगा के देखा। एंड अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ गोल्डन शेड की पिगमेंट। आप देख रहे हो मैंने हाथ पे लिया और इतना सा इस टाइप की। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैक का है एंड प्राइस तो ज़्यादा हो गई, बट पिगमेंट भी बहुत अच्छी है, सुपर्ब। एंड इसकी जो क्वालिटी है एंड पैकेजिंग है वो भी बहुत ही स्मार्ट है गाइस। काफ़ी अच्छे शेड मिल जाते हैं आपको। इसमें शेड के नाम पता नहीं क्या क्या हैं, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है। डाली वुड, एम्ब्रेक, रूल, दादा इशूज़, ऐसे ऐसे करके नाम है कुछ इसके, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ गाइस, इतने अच्छे शेड के साथ साथ ना इसमें एक मिरर भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही क्लीन मिरर है। मतलब इसमें आपका फेस एकदम क्लीन दिख रहा है। मुझे इसकी ये बहुत अच्छी बात लगी कि इसके मिरर बहुत अच्छा है यार। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा है ये पैलेट भी एंड 5200 का है गाइज़ ये। एंड यह काफ़ी अच्छे पैलेट हैं। इसमें पीछे भी एक्चुअली इसके शेड दिए हुए हैं, जितने भी हैं इसमें यहाँ पर शेड दिए हुए हैं। सारे शेड जो शेड हैं काफ़ी अच्छे हैं। एंड सबसे बड़ी बात मैक का है तो मैक के तो ऑब्वियसली महंगे होंगे ही। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, आप बोलोगे कि आपने सब चीज़ के प्राइस हमें बता दिए हैं, डिस्काउंट आपको क्या मिला है। अब मैं बता देती हूँ कि मुझे डिस्काउंट क्या क्या मिला है। ओके, मैंने ये सुपर समर सेल में जब लिया है तो मुझे क्या बेनिफिट मिला, जो मैंने ये मैक के इतने सारे प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए हैं। कुछ तो बेनिफिट मिला होगा गाइज़ और मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि मुझे क्या बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो ये थी आपकी 5200 की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैलेट मेरी 5200 की है, ठीक है। इसके साथ जो है मुझे 10% जो है डिस्काउंट मिला। सबसे पहले बात, ये मुझे 4600 की पड़ी, बहुत अच्छी बात है जो इसकी। और एक छोटू सा जो है मुझे टेस्टर मिला है मेकअप फिक्सर का एंड मेकअप प्राइमर, एज अ दोनों वर्क करता है ये, मेकअप फिक्सर एंड मेकअप प्राइमर। 2-3 बारी तो यूज़ हो ही जाएगा, है ना। एंड इसके साथ जो मुझे मिला है गाइस, एक्स्ट्रा डायमेंशन स्किन फिनिश हाइलाइटर। गाइस तो मुझे इसके साथ ये हाइलाइटर फ्री मिला है। एंड इसका प्राइस आप सुनोगे ना, इसका प्राइस है 3200 का है और ये मुझे फ्री मिला है। जो इसका शेड है गाइस वो है ओ डार्लिंग, तो काफ़ी प्रिटी है, आप देख रहे हो। इसका शेड जो है गोल्डन शेड का है। ये भी ओपन इसी तरीके से होता है, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो इसका शेड कितना प्रीटी है और ये मेटालिक शेड है गाइस सारे। एंड इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, मतलब लगाने के बाद ना आपको मैं लिखा के दिखा देती हूँ। ये देखो, बहुत प्यारे शेड है गाइस। इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फेस पे जो है कुछ चमचम दिख रहा है। बस आपका फेस बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करेगा इसे लगा के। मैं इसको काफ़ी टाइम से लेने की सोच रही थी, बट मुझे नहीं पता था गाइस कि मुझे ये फ्री मिलने वाला है। 4600 में मुझे 3200 का ये फ्री मिला है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी डील है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एंड इसका जो पिगमेंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एंड अब सेकंड मैं बता देती हूँ आपको, देखो अब मैं आपको बताती हूँ ये फ्री मिली है, ठीक है। एक सेट के साथ एक बारी जब मैंने ये मंगवाया तो इसके साथ मुझे ये टेस्टर एंड ये एक हाइलाइटर फ्री मिला। अब इसको रख देती हूँ मैं अलग। एंड सेकंड, अब मुझे जो फ्री मिला है मेकअप फिक्सर जो मैंने लिया एंड ये जो मैंने लिपस्टिक ली, ठीक है। 2 चीज़ों के साथ जो है मुझे एक गिफ्ट और मिला फ्री, वो है पाउडर ब्लश। मैक का ये पाउडर ब्लश मुझे फ्री मिला है मेकअप फिक्सर के साथ एंड लिपस्टिक के साथ, ठीक है। और इसको जब मैं ओपन करती हूँ आपको दिखाऊंगी मैं, मुझे कौन सा शेड मिला है गाइस। इसमें मुझे शेड मिला है डेजर्ट रोज़ और ये मैट ब्लश है एंड इसको जब मैं ओपन करूँगी तो आप देख सकते हो गाइस कि कितना प्रीटी शेड है ये, बहुत ही प्यारा है, मैट है एंड पाउडर ब्लश है। एंड इसका प्राइस है गाइस 2500। आपको लगता है कि मतलब इतनी अच्छी डील कहीं मिल सकती है? मतलब देखो, मुझे ब्लश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्लश मुझे एकदम फ्री मिला है। अभी तो आगे भी और चीज़ फ्री मिली है, आप देखना। मैक कॉम्पैक्ट मंगाया एंड ब्रॉन्ज़र मंगाया, तो इसके साथ मुझे फ्री क्या मिला? इसके साथ फ्री मुझे मिला गाइस एक और हाइलाइटर जिसका नाम है एक्स्ट्रा डायमेंशन स्किन फिनिश हाइलाइटर। एंड इसका शेड है गाइस, इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ, इसका शेड है बीमिंग ब्लश। एंड ये भी बहुत ही प्रिटी शेड है गाइस, आप देखोगे ये भी इसी तरीके से ओपन होगा। एंड इसका शेड आप देखोगे ये पिंक एंड गोल्डन कलर का है गाइस। रिफ्लेक्शन अगर आप इस तरफ को करोगे पिंक दिखेगा आपको, ऐसे करोगे आपको गोल्डन दिखेगा। तो ये भी काफ़ी प्रिटी शेड है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, मतलब बहुत ही प्रिटी शेड है ये, गोल्डन ज़्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है प्योर गोल्डन शेड है। इसका प्राइस भी 3200 है। एंड भले ही दो हाइलाइटर मुझे मिले हैं बट दोनों के शेड अलग अलग हैं। एंड या दोनों ही काम आएंगे मेरे काफ़ी। मुझे बहुत अच्छी लगी मैक वालों की ये डील कि मुझे इन दो चीज़ों के साथ देखो एक और चीज़ फ्री मिली, 3200 का हाइलाइटर, ठीक है। एंड इसके साथ एक टेस्टर भी मुझे फ्री मिला। लास्ट टाइम पे जब मैंने ये फाउंडेशन, मस्कारा एंड स्ट्रोब क्रीम जब मैंने ऑर्डर करी तो इसके साथ जो मुझे फ्री मिला ना गाइस वो है ये मैक का अगेन पाउडर ब्लश। इसका शेड है पिंक सून शेड है इसका। एंड आप देख सकते हो कि काफ़ी लाइट शेड है गाइस, और मेरे पास ना ऐसी शेड का कोई भी ब्लश नहीं था, इतना लाइट शेड का कोई भी ब्लश नहीं था। तो इसको लेने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। और ये इसका प्राइस भी अगेन 2500 का है। तो आप लगा सकते हो कि मुझे कितनी सारी चीज़ें मिली है जिसका प्राइस 3200 2500 है, और इसके साथ एक टेस्टर और मिला है मुझे। एंड ये भी बहुत अच्छी बात है कि चार टेस्टर मुझे मिल गए, आप देख सकते हो इन प्रोडक्ट के साथ 1 2 3 4, ठीक है, 4 टेस्टर मिले हैं मुझे ये मेकअप फिक्सर के। एंड 2 ब्लश एंड 2 हाइलाइटर मुझे मिले हैं गाइस फ्री में, आप देख सकते हो। अगर मेरा 5000 से ऊपर का कोई परचेज़ मैंने की है चीज़ें तो उसमें मुझे 10% का डिस्काउंट मिला है गाइस। तो मतलब काफ़ी अच्छी डील रही है एंड मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरे पास मैक की पूरी किट रेडी हो गई है। एंड मैं बहुत खुश हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में एक वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल लेके आऊँगी, मैक का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा वो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई हो। एंड जितने मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाए हैं आपको अच्छे लगे हों। काफ़ी कॉस्टली है बट काफ़ी टाइम तक भी चलते हैं ये प्रोडक्ट गाइज। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ले लिए और 2-3 हफ्ता या 1 महीने बाद ख़त्म हो गए, सालों साल ये प्रोडक्ट चलते हैं। आई थिंक 2-3 साल तो चली जाते हैं। एंड यही था गाइज आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है जो मैंने दिखाई। एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ गाइज, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों के सामने प्रोडक्ट जो है शेयर नहीं कर पा रही हूँ, दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। 2 बॉक्स हमारे ऐसे ही रह गए हैं, एक ये वाला एंड ये वाला। बहुत जल्दी मैं इन दोनों बॉक्सेस में क्या है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ में एक वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल जो है शेयर करूंगी। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच गाइस।